Welcome to Panacea Tutor. Today we are going to discuss our very first unit of paper 2 commerce, that is international business. So first of all we are going to start with its important topics. So sabse pehle jo aaj humne is video mein padhna hai wo hai approaches, then trade barriers, then regional trade agreements, then international economic institutions like IMF and World Bank, and last is theories of international trade. सो इंटरनेशनल बिजनेस बेसिकली ट्रेड है कोई भी टू और मोर कंट्रीज के बीच गुड्स सर्विसेज कैपिटल नॉलेज इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रोचेस टू इंटरनेशनल ट्रेड. सो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज EPRG मॉडल. ई स्टैंड्स फॉर एथनोसेंट्रिक, पी स्टैंड्स फॉर पॉलीसेंट्रिक, आर स्टैंड्स फॉर रीजियोसेंट्रिक एंड जी स्टैंड्स फॉर जियोसेंट्रिक. एथनोसेंट्रिक अप्रोच कहती है हमने अपनी होम कंट्री को पहले प्रेफरेंस देनी है. पॉलीसेंट्रिक अप्रोच कहती है हमने होस्ट कंट्री को पहले प्रेफरेंस देनी है. एग्जाम्पल MNC. रीजियोसेंट्रिक कहती है हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को कंसीडर करके चलना है, जैसे इंडिया के पास पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है. एंड लास्ट जी स्टैंड्स फॉर जियोसेंट्रिक अप्रोच, ये पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट ट्रीट करके चलता है. एग्जाम्पल गूगल. गूगल सब कंट्रीज के लिए सेम फंक्शन करता है, यानी हमारी कंट्री में कोई और है और दूसरों की कंट्रीज में कोई और है. तो ये है जियोसेंट्रिक अप्रोच. अब ट्रेड बैरियर्स. ट्रेड बैरियर्स का अनदर नेम है प्राइस कंट्रोल एंड रोड ब्लॉक टू एक्सपोर्ट्स. ट्रेड बैरियर्स जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इंटरनेशनल ट्रेड पे लगती हैं गवर्नमेंट की तरफ से. सो ये बेसिकली टू टाइप्स के हैं ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. टैरिफ बैरियर्स क्या है, जो गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू रिसीव कर रही है. एग्जाम्पल एक्सपोर्ट टैरिफ, इम्पोर्ट टैरिफ एंड ट्रांजिट टैरिफ. और नेक्स्ट है नॉन टैरिफ बैरियर्स, जो कोई भी गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को कोई भी रेवेन्यू रिसीव नहीं हो रहा. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेशंस, कंडीशंस, फॉर्मेलिटीज एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल कोटा, सब्सिडीज, प्रोडक्ट टेस्टिंग, लोकल कंटेंट, एम्बार्गोस एक्सेट्रा. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में वी विल डिस्कस NAFTA, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 1994 को. और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पैनिश. और इसको याद करने के लिए HHH, तीनों के पीछे HHH आता है. और इसको रिप्लेस किया था USMCA ने, जो कि स्टैंड करता है यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कैनेडा, और जिसको कि साइन किया गया था 30 नवंबर 2018 में. नेक्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको कि फॉर्म किया गया था 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में. इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश. एंड SAARC ने लॉन्च किया था SAFTA इन द ईयर 2006. एंड इसके हेडक्वार्टर्स है काठमांडू नेपाल में. और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मल्टीलेटरल इशूज़ को डिस्कस करते हैं, इसके अलावा हम इसमें कोई भी इशूज़ डिस्कस नहीं करते. ओनली मल्टीलेटरल इश्यूज आर टू बी डिस्कस्ड. नेक्स्ट हम बात करेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको की फॉर्म किया गया था 27 दिसंबर 1945 में. एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल मॉनिटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना. इसके हेडक्वार्टर्स हैं Washington DC में. मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिया विद 190 मेंबर्स. नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक को फॉर्म किया गया था जुलाई 1944 में. इसके हेडक्वार्टर्स भी Washington DC में है. एंड फ्रांस वॉज द फर्स्ट वन जिसने कि वर्ल्ड बैंक से सबसे पहले लोन लिया था. वर्ल्ड बैंक के अंदर हमने 5 ग्रुप्स पढ़ने हैं, दैट इज IBRD, IDA, IFC, MIGA एंड ICSID. इंडिया जो है वो फाउंडर मेंबर्स है इन 3 ग्रुप्स का, दैट इज IBRD, IDA एंड IFC. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs ऑन इंटरनेशनल बिजनेस. सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन. ऑप्शन ए डोमेस्टिक, ट्रांसनेशनल, ग्लोबल, इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल. ऑप्शन बी डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल एंड ट्रांसनेशनल. ऑप्शन सी डोमेस्टिक, मल्टीनेशनल, इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल एंड ग्लोबल. ऑप्शन डी डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, ट्रांसनेशनल, मल्टीनेशनल एंड ग्लोबल. सो इसका आंसर है
ऑप्शन बी, दैट इज डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ग्लोबल एंड ट्रांसनेशनल. और इसको याद करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, दैट इज DIMGT. DI जो कि पेपर वन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड MGT स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट की शॉर्ट फॉर्म. नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज वॉज गिवन बाय. एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी FBW टेलर एंड ऑप्शन डी ओहेन एंड हैक्शन. सो राइट आंसर फॉर दिस इज एडम स्मिथ. और इसको याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, दैट इज ए फॉर एब्सोल्यूट, ए फॉर एडम स्मिथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सिडरीज दैट कंसिडर रीजनल एनवायरमेंट फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज नोन एज. अभी हमने बात की जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को कंसिडर करती हैं उसको हम कहते हैं रीजियोसेंट्रिक अप्रोच. सो आंसर फॉर दिस इज रीजियोसेंट्रिक अप्रोच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कस्टम ड्यूटी इज डिवाइड अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ गुड्स. अभी हम इसमें स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, दैट इज वेट. जब हम स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं जैसे कि वेट, तब हम लगाएंगे स्पेसिफिक ड्यूटी. नेक्स्ट है वेयर डिड 13th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स टुक प्लेस. 13th मीटिंग जो है ब्रिक्स की सबसे लेटेस्ट मीटिंग है और वो कहाँ हुई थी? इंडिया, चाइना, रशिया और ब्राजील. सो राइट आंसर फॉर दिस इज इंडिया. इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, RBC इज ब्रिक्स BR, दैट इज इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2009 में और तब से ही इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी रशिया में, 2010 में ब्राजील में, 2011 में चाइना में एंड सो ऑन. और अब इसकी 13th मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली इंडिया और 9 सितंबर 2021. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड बीइंग यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी. जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए हम मेथड यूज करेंगे उसका नेम है टर्न की कॉन्ट्रैक्ट. टर्न की कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स फॉर जो प्रोजेक्ट सारे रिस्पेक्ट्स में कंप्लीट है और जैसे ही हमने टर्न दूसरे पर्सन को की ट्रांसफर करी तो वो रेडी टू यूज है, दैट इज नोन एज टर्न की कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट हमारे पास टू स्टेटमेंट्स गिवन है, एक्स मैक्सिको इज अ मेंबर ऑफ नाफ्टा, वाई नाफ्टा स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1st January 1994. ये अभी हमने नाफ्टा में डिस्कस किया, दैट नाफ्टा वॉज फॉर्म्ड ऑन 1st January 1944 एंड मैक्सिको इज अ मेंबर ऑफ नाफ्टा. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दैट इज बोथ एक्स एंड वाई आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू WTO, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, काउंसिल ऑफ ट्रेड इन गुड्स, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट बॉडी. फर्स्ट थ्री बॉडीज जो हैं ये तीनों मिलके ही हमारे पास WTO का स्ट्रक्चर बनाती हैं एज यू कैन सी इन द डायग्राम. सो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट बॉडी इज नॉट रिलेटेड टू WTO. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टीमेटली डैश वॉज रिप्लेस्ड बाई डैश ऑन 1st January 1995. किसने किसको रिप्लेस किया था 1st January 1995? सो राइट आंसर फॉर दिस इज GATT एंड WTO. सबसे पहले फॉर्म हुआ था हमारे पास ITO और ITO में US वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन जिसने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया था तो इसलिए ये कभी भी फॉर्म नहीं हुआ. उसके बाद हमारे पास आया GATT. GATT जो था वो एक टेम्प्रेरी एग्रीमेंट था और जिसकी जगह पर हमें चाहिए था एक परमानेंट एग्रीमेंट जिसको कि WTO ने हमें दिया. सो आवर वेरी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक. सॉफ्ट लोन विंडो कौन सी है वर्ल्ड बैंक की? सो राइट आंसर फॉर दिस इज IDA, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. IDA जो है वो हमें कंसेशनल रेट्स पे लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है और इसलिए इसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक की एक सॉफ्ट लोन है. So for more detailed videos, join our online and offline courses at Panacea. Thank you so much.